विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई विभागों के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर अमर चौधरी ने बताया कि श्रावणी मेले को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अभी से नियमित रूप से गंगा घाट की साफ सफाई और पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। इस बार श्रावणी मेले में जिला प्रशासन की ओर से एक ऐप लॉन्च किया जाएगा। ऐप के माध्यम से श्रावणी मेले से जुड़ी सभी जानकारी साझा की जाएगी। सुल्तानगंज में बड़े पैमाने पे श्रावणी मेला का आयोजन होता है, आप सभी अवगत हैं। इसमें हमारे लाखों की संख्या में कांवड़िया बंधु आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। उसी को लेकर के विभिन्न विभागों के साथ अभी समन्वय बैठक आयोजित की जा रही है और समीक्षा भी की जा रही है। और हम लोग इस बार सभी श्रद्धालुओं के लिए बड़े पैमाने पर और काफ़ी अच्छी तैयारी करेंगे। कुछ स्पेस कॉन्स्टेंट्स हैं, हम लोग उसको भी मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बार हम लोग एक एप्लीकेशन भी डेवलप करेंगे, मोबाइल ऐप, जिससे कि हमारे कंवड़िया बंधु ये बता सके हमें कि वो कब आना चाह रहे हैं, ताकि हम यदि हमारे पास क्राउड ज़्यादा होता है तो उसको लेकर के हम अलग से तैयारी भी कर सकें, या जो टाइमिंग रहेगा एक खास समय में ज़्यादा भीड़ होती है तो उसको हम मैनेज करने के लिए अपने अधिक अधिकारियों को लगा सकें, अधिक सुविधाएँ मुहैया करा सकें। इसके अतिरिक्त भी साफ सफाई के लिए हमने प्रत्येक 3 घंटे पे साफ सफाई का करने का निर्देश दिया है। और समुचित संख्या में शौचालय है, स्नानघर है, या पानी की व्यवस्था है, कहीं शेड है, इन सारी व्यवस्थाओं पे हम लोग विचार कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं। भागलपुर में ट्रैक्टर की बैटरी ब्लास्ट होने से एक खलासी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसकी आंख समेत शरीर के कई हिस्सों में झटका लगने से वो चोटिल हुआ है। घटना में खलासी जमीन पर अचेत होकर गिर पड़ा। सूचना के बाद अन्य मजदूरों ने उसे उठाया और अस्पताल में भर्ती कराया। घटना मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र की मिर्जानहाट चौक के समीप का है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि एक बालू डिपो में ट्रैक्टर पर गिट्टी लोड किया जा रहा था। इसी दौरान ड्राइवर ने खलासी को ट्रैक्टर की बैटरी को चेक करने के लिए भेजा। जैसे ही बैटरी का ढक्कन खोला तो बैटरी ब्लास्ट हो गया। ड्राइवर की माने तो आवाज इतनी तेज थी कि 500 मीटर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। घटना में खलासी के आंख में बैटरी का तेजाब चला गया। घायल खलासी संतोष कुमार दास ने बताया कि ड्राइवर ने बैटरी को चेक करने के लिए भेजा था। जैसे ही बैटरी के ढक्कन को खोला कि ब्लास्ट हो गया और बैटरी का तेजाब आंख में पड़ गया। हालांकि घटना के बाद आनन-फानन में मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। स्थानीय लोगों की माने तो डिपो में आए दिन 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर के माध्यम से गिट्टी और बालू की सप्लाई किया जाता है, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक की समस्या होती है बल्कि हादसा होने का भी डर बना रहता है। बहरहाल मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। ब्लास्ट अपने क्या हो, उसमें पानी नहीं था, बोला हमको खोलो, खोल रहे थे ढक्कन, तीन चार को खोल दिए हमने ना, उनको बचा था, मतलब बैटरी खोलते खोलते ब्लास्ट कर गया, यही ना। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी
ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज भागलपुर में युवा कांग्रेस द्वारा रक्तदान का आयोजन करके मनाया गया, जिसमें युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर अपनी भूमिका का निर्वहन किया। आज के इस रक्तदान में 25 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। इस मौके पर भागलपुर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विशाल कुमार ने कहा कि सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे यदि किसी को ब्लड की जरूरत हो तो तुरंत पूरा हो सके। लोगों में मानसिकता है कि ब्लड डोनेट करने से ब्लड की कमी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक लोग 6 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पे हम लोग आज रक्तदान का आयोजन किए हैं। हम लोग यहाँ पे 25 यूनिट भागलपुर युवा कांग्रेस के द्वारा रक्तदान किया जा रहा है और हम यहाँ के युवाओं से कहते हैं रक्तदान महाअभियान सभी को करना चाहिए। भागलपुर के उत्कर्ष फाउंडेशन स्कूल के द्वारा बॉलीवुड की थीम पर आधारित ग्लिड्स एंड ग्रेजुएशन ए बॉलीवुड स्पेक्टेकुलर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन स्कूल के डायरेक्टर मंजीत सिंह कुशवाहा और समाज सेवी दीपक सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम दौरान पहले बच्चों के द्वारा स्वागत गान की प्रस्तुति की गई, उसके बाद स्कूल के द्वारा सभी छोटे ननिहालों को ग्रेजुएशन आधारित थीम पर सर्टिफिकेट वितरण किया गया। उसके बाद बच्चों के द्वारा संगीत और नृत्य की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की गई। ये मतलब आपका कहा जाएगा पूरे ईयर का एकेडमिक ईयर का पूरा ये सेशन एंड का जो कार्यक्रम था वो अभी हो रहा है। इसमें बच्चों का ग्रेजुएशन डे से लेके जो भी इस बीच में जितने भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट हुए हैं उसका आपको सर्टिफिकेट से लेके सारा मेडल वगैरह सब प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों को। बॉलीवुड एक बड़ा नाम है जो पूरे विश्व में जाना जाता है, उस नाम को यहाँ रख कर बच्चों से उस तरह का सेलिब्रेशन करवा कर हम लोग उस ऊंचाई तक बच्चों को भेजना चाहते हैं। भागलपुर के एक निजी होटल में आज देखे जरा अनोखा कॉन्टेस्ट को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के दौरान भागलपुर से जुड़े मॉडल, एक्टर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, वीडियो एडिटर, फोटो डिजाइनर और ड्रोन पायलट शामिल हुए। प्रेस वार्ता के दौरान आयोजकों ने बताया कि बॉलीवुड सेटअप के बैनर तले शूटिंग की जाएगी, जिससे बिहार पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही फोटो वीडियो के क्षेत्र में व्यवसाय की वृद्धि होगी, मॉडल और एक्टर को काम मिलेगा, वीडियो एडिटिंग और फोटो डिजाइनिंग के क्षेत्र में नए चेहरे देखने को मिलेंगे। तो हम लोग रील्स क्रिएटर्स और मॉडल्स एक्टर के साथ मिलके फोटोग्राफी बिजनेस को बूस्ट करने के लिए एक शो लेके आ रहे हैं जिसका नाम है आ देखे ज़रा, जिसका मुख्य उद्देश्य सबसे पहला है हमारे बिहार में जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना। इसलिए हमने इसका लोकेशन जो है शूटिंग का मंदार पर्वत चुना है।